बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर हमसे कहते हैं कि सर हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। खैर लड़कियों के लिए तो बात समझ आती है, पर लड़कों के लिए बात बिल्कुल सत्य नहीं है। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपने लड़के को पढ़ाई के लिए सपोर्ट ना करते हो। हाँ, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे, दिन भर केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करने से हिचकिचाएंगे। आप दिन में 10-15 घंटे पढ़ के तो दिखाओ। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन भर बिठा के पालते रहें। सपोर्ट एक लिमिट तक, एक उम्र तक ही किया जाता है। इसलिए जितना जल्दी आप सिलेक्ट होके अपने जीवन की कामयाबी की राह पे निकल जाओगे उतना अच्छा रहेगा। माँ बाप भी एक लिमिटेड टाइम तक सपोर्ट करेंगे। आप में से जिसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं उससे एक बात कहना चाहूंगा। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई से दूर हो रहे हैं ना, वैसे वैसे आप एक मजदूरी वाले करियर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस बच्चे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है या कोई जबरदस्त स्किल नहीं है, उसके पास अपनी जिंदगी सुधारने का एक ही तरीका है, वो है केवल पढ़ाई, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये कभी मत सोचो कि पूरी तैयारी में कितना टाइम लगेगा। ज्यादातर बच्चे अपने दिमाग में पहली बिठा लेते हैं कि यार साल भर पढ़ना पड़ेगा, 2-2.5 साल का प्रोसेस है, और इतने में उनका साहस टूट जाता है, वो तैयारी करना छोड़ देते हैं। एक ऐसी लंबी मैराथन है जिसमें धीरे धीरे करके सफलता मिलेगी। आप एक एक दिन का टारगेट बनाओ और उस टारगेट को अचीव करो, और सफलता एक एक दिन को मिलकर काउंट होगी। आज आपने क्या अपने टारगेट पूरे किए, आपने टाइम वेस्ट तो नहीं किया, तो आप केवल आज के दिन के बारे में सोचो। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़के किसी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। कि सभी को पता है कि यही एक रास्ता है अपनी परिस्थिति को सुधारने का, और इसके बावजूद भी अगर आप आनाकानी कर रहे हो, अपने प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं हो और अपने घर वालों का पागल बना रहे हो, तो समझ जाओ भाई कि आपकी तैयारी के जो 3-4 साल है तो मौज लेते हुए कट जाएंगे, लेकिन उसके जो बाद की 30-40 साल की जिंदगी पड़ी हुई है, वो इन 3-4 साल की गलतियों को याद करते हुए गुजरेगी। सबके मोटिवेशन का तरीका अलग अलग होता है। मोटिवेशन चाहे कुछ भी हो, पढ़ना आपको पड़ेगा। या तो आप एक डिसेंट गवर्नमेंट जॉब लो, या आप एक अपना इतना खुद का बिजनेस का कुछ ऐसा बनाओ कि लोग आपको ना ना कर पाए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सेल्फ स्टडी है। फर्क नहीं पड़ता कि टीचर आपको क्लासरूम में कितना पढ़ा रहा है, कितनी पीडीएफ आपके पास है। जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला। और बंद कमरे में केवल स्क्रीन के सामने लगातार मोबाइल में पढ़ते रहने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर कैसा आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आपने मॉक टेस्ट कितने दिए हैं, आपके टीचर ने कैसा पढ़ाया, आपकी खुद की प्रैक्टिस कितनी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये सारी चीजें मिलाकर बैलेंस वे में आपको सिलेक्शन देती हैं। आप में से कितने बच्चों ने लिख रखा है कि इस बार मुझे 170 या 180 प्लस मार्क्स लाना है? किसी ने नहीं। आपकी जो ड्रीम पोस्ट है, जो वर्दी आपको चाहिए, जिस पोस्ट की आपको इच्छा है, वो आपने सामने चुपका रखे दीवार पे? नहीं। जब आपको अपना गोल ध्यान ही नहीं है बार बार, तो आप कैसे मोटिवेट रहोगे? देखो, किसी भी काम को करने से पहले उस काम का जो रिजल्ट होगा, अगर वो आपको बार बार दिखाई देता रहेगा कि भाई मुझे पढ़ना है इस पोस्ट के लिए, मुझे इस आदमी की तरह बनना है, मेरा मकसद ये है कि मुझे मार्क्स 180 प्लस लाने, आपको जब बार बार ये दिखाई देता रहेगा, तो आप पढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट खुद पे खुद होते रहोगे। अगर आज आपने मेहनत नहीं करी और ऐसी आवारागर्दी में अपने जीवन का कीमती टाइम खराब करते रह गए, तो वो दिन दूर नहीं है, मतलब जब सड़क पे भौंकता हुआ कुत्ता भी आपको ऐसे लगेगा कि यार ये भी मुझे सलाह दे रहा है। एक उम्र के बाद सब साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इंसान को ज्ञान तो आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ज्ञान एक लिमिटेड समय तक लेना है, और तैयारी भी एक लिमिटेड समय तक करनी है। पढ़ाई करने का मजा तभी है जब आप इसको एंजॉय करो। आप 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठो और 4 घंटे बीत जाए आपको पता ही ना चले, तो मतलब आप पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं, एक एंजॉयबल काम की तरह ले रहे हो। मतलब पढ़ाई में इस तरीके से खो जाओ कि घर वाले आपके डेस्क पे खाना भी रख के जाए ना थाली में, तो आपको याद ना रहे यार घर वाले खाना रख के गए, ठंडा हो गया। अपने दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाओ कि पढ़ाई बोझ की तरह ना लगे, आपके जीवन के सबसे इंटरेस्टिंग काम की तरह बन जाए। पढ़ना मजदूरी से तो आसान काम ही है ना, पता नहीं आपको? अगर पता नहीं तो एक बार करके देख लो, नौकरी या मजदूरी, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कहीं आसान और एक इंटरेस्टिंग काम है। 3 Idiots मूवी का वो सीन तो देखा ही होगा कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही खुद का सिलेक्शन ना हो तो दुख होता है, लेकिन आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्त का, या आपके मोहल्ले में किसी जानने पहचानने वाले का ही सिलेक्शन हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। आपको नहीं, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपका जीना मुश्किल कर देते हैं ताने दे दे के। तो आपको ये चीज भी जो है कन्फर्म करनी है कि आपका सिलेक्शन आपके किसी जानने पहचानने वाले से पहले हो जाए, यानी कि एक तरीके का कॉम्पिटिशन है, और इसमें पार निकलने का एक ही रास्ता है, दूसरे से बेहतर पढ़ाई।